स्वागत है आपका। कैसे आप सब, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं आपके साथ से मिलने एक बार फिर से नए वीडियो के साथ आप सभी के सामने हाजिर। आज हम बात करेंगे गदर 2, वो मूवी जिसे पूरा 20 साल से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा, तब ये फिल्म जो है गदर 2 के रूप में आ रही है। लेकिन देखिए, मेकर्स ने एक बहुत अच्छा प्लान तय किया था। मेकर्स ने क्या किया कि पहले गदर उन्होंने लॉन्च किया, रिलीज़ किया फिर से गदर, ताकि जो अभी की जनरेशन है, मतलब आपकी जनरेशन, हमारी जनरेशन जो है, जिसने अगर गदर नहीं देखा आज से 20 या 22 साल पहले, तो वो गदर पहले देखे, गदर की बारीकियों के बारे में समझे कि गदर में दिखाया क्या गया है, गदर में किस तरह भारत का विभाजन हुआ था, उस दौरान की कहानी दिखाई गई है कि पाकिस्तान और हमारे भारत में क्या कुछ हलचल उस दौरान हुई थी। बहरहाल ये बात हुई गदर की। अब जब 20 से 25 साल तकरीबन का देखिए समय जो बताया जा रहा है, अब गदर 2 रिलीज हो रही है कब, 11 अगस्त को। हर किसी को बहुत इंतज़ार है, आप सभी को भी होगा, हमें भी काफ़ी इंतज़ार है। लेकिन गदर 2 के गाने जो हैं फिलहाल अभी कुछ ज़्यादा रिलीज़ नहीं हुए हैं, लेकिन प्रमोशन के दौरान एक बात भी सामने आई थी, उसमें अमीषा जो है लॉन्चिंग के डे नहीं पहुंची थी। जिस दिन टीज़र लॉन्च हो रहा था उस दिन अमीषा ने बताया कि किसी कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती, इसलिए नहीं आई। हालांकि एक मंच से अमीषा पटेल ने ये कह जरूर दिया कि कुछ लोगों ने गदर को गटर कहा था उस समय। वो कहती, मैं बहुत आहत हुई थी, मुझे बहुत बुरा लगा था कि हम इतनी मेहनत से फिल्म बनाते हैं, आप गदर को आप गटर कह रहे हैं। उन्होंने कहा ये लोगों की मानसिकता जो है वो दिखाई देती है। बहरहाल चलिए आपको बता दें, गदर 2 के विलन जो है वो रोहित चौधरी हैं, जिन्हें जिनके सोसाइटी में देखिए लोग जो है उन्हें काफ़ी पसंद कर रहे हैं, उन्हें देखने के लिए काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। दिन दहाड़े देखिए आपको ये भी जानकारी देते, सोसाइटी में उनके मचा दिया है गदर, दिन दहाड़े चली हैं गोलियां। जी हाँ, गदर 2 के विलेन के किरदार जो है रोहित चौधरी निभा रहे हैं, उनके हाउसिंग सोसाइटी में उस वक्त हलचल मच गई जब दिन दहाड़े वहां पर गोली चल गई। बहरहाल ये गोलियां किसने चलाई, अब पुलिस इस पर जो है जांच कर रही है। जैसी जो भी जानकारी होती है हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे।